डब्ल्यू प्रशासन और श्रम मंत्री शिव जहेरिया ने आरएसएस पर बड़ा हमला बोला है, जिसके बाद राजनीतिक बवाल हो सकता है। जहेरिया ने कहा है कि आरएसएस के लोग कभी नहीं चाहते थे कि देश आजाद हो। जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, तब आरएसएस के लोग अंग्रेजों के साथ मिलकर काम करते थे। ये लोग अंग्रेजों की मुखबिरी किया करते थे। जो कांग्रेस के सिपाही देश की आजादी की लड़ाई में भाग लेते थे, उन्हें जेल भिजवाने, फांसी चढ़वाने का अंग्रेजों के साथ मिलकर काम किया करते थे। जनता को गुमराह करने का, परगलाने का काम करती। ये हमारे आदरणीय सरदार पटेल का नाम लेते हैं। सरदार पटेल जी ने आरएसएस पे प्रतिबंध लगाया था। और आरएसएस के बारे में आप लोग एक बात मैं बताना चाहता हूँ, हमारे नई पीढ़ी के लोगों को जानकारी नहीं है। जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, तब ये आरएसएस के लोग अंग्रेजों के साथ मिलकर काम करते थे, अंग्रेजों की मुखबिरी किया करते थे। ये कभी नहीं चाहते कि देश आजाद हो। मैं वाहिमा अजीत।